फर्स्ट ऑफ ऑल सत श्री अकाल टू एवरी वन, अमन दिस साइड वेलकम ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग योगा बिफोर प्रेगनेंसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से योगा पोजेज हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो। अगर आप कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहे हो फिर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप योगा के कुछ पोजेज करने शुरू कर दो, कुछ आसनास करने शुरू कर दो, ताकि वो आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, एक ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके जिसमें एक हेल्दी बेबी की ग्रोथ हो सके। आई न्यू कि आप लोग ये वेट कर रहे थे कि नेक्स्ट वीडियो सेल्फ डिफेंस के ऊपर आने वाली है। आई ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल इशूज, बिकॉज जब आप जनरल फिटनेस पे वीडियो बना रहे हो यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ, लेकिन जब आप सेल्फ डिफेंस पे वीडियो बनाते हो यू नीड अ स्पेशल कैमरा पर्सन, यू नीड समवन जिसके साथ आप डेमोन्स्ट्रेट कर सको, एंड और उसको शूट करने भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। दैट्स वाई ये थोड़ा सा मुश्किल है कि हम हर बार सेल्फ डिफेंस वीडियो के साथ आ सके, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिफेंस वीडियो को कवर कर सकें ताकि हमारी कॉन्टीन्यूटी मेंटेन हो सके। इसलिए हम बीच में जनरल फिटनेस की वीडियोज़ को भी ऐड कर लेंगे। उसका सेल्फ डिफेंस हमें बाहर की दुनिया से लड़ने के लिए हेल्प करता है, लेकिन इस डिफेंस की ज़रूरत हमें हमारे लिए भी पड़ती है। कभी कभार हमारी बॉडी के अंदर ऐसी डिजीज़ हो जाती है, ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिनको आप ट्रीट कर सकते हो, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज या फिर एक राइट गाइडेंस की कमी होने की वजह से आप वो नहीं कर पाते हो। सो दैट्स व्हाई आई एम हेयर टू हेल्प यू इन एवरी सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन में जहाँ आपको बाहर की दुनिया से लड़ना है वहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूँगी, और जहाँ पे आपकी खुद से लड़ाई हो रही है, आप खुद ही किसी इशू से लाइक यू आर हैविंग अ इशू, जिसकी हेल्प मैं कर सकूँगी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके सामने वो टॉपिक उन सब बातों को आपके साथ शेयर कर सकूँ। वी विल कवर हेयर इन अ मिक्स मैनर। हम जनरल फिटनेस पे भी बात करेंगे, हम सेल्फ डिफेंस की भी बात करेंगे, और हम लोग मार्शल आर्ट पे भी बात करेंगे। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मैं मार्शल आर्ट के प्रॉपर वर्कआउट रूटीन वर्कआउट आपके साथ शेयर कर सकूं, जिससे अगर कोई भी प्रॉपर सेल्फ डिफेंस टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहता है तो हम उस वीडियो में एक साथ कवर कर सकते हैं उसको। तो अभी हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट वन हम करेंगे, अभी हम करने वाले हैं हाफ बटरफ्लाई पोज। उसके लिए सबसे पहले पैरों को स्ट्रेट करो। नाउ राइट लेग को फोल्ड करना है। अब अपने लेफ्ट हैंड से राइट पैर को पकड़ो लाइक दिस। अब लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ोगे। नाउ ब्रीद इन टेक अ लेफ्ट नी अप, ब्रीद आउट टेक इट डाउन। नीचे लेके जा रहे हो, प्रेशर इंक्रीज करना है। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। कीप अ बैक स्ट्रेट। जब आप ये आसन कर रहे हो बैक स्ट्रेट रहोगे, लुक स्ट्रेट, और ध्यान रखना है चिन डाउन नहीं करोगे, उससे आपके बहुत चांसेस होते हैं कि आपको ऐसे इश्यूज हो जाए जो कि रॉन्ग पोस्चर की वजह से होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल, जो कि डेफिनेटली एक ऐसा इशू है जो कि आपके रॉन्ग एक्सरसाइज पोस्चर, रॉन्ग स्लीपिंग पोस्चर की वजह से आता है। सो फर्स्ट अभी आप इसको रिपीट करोगे, ब्रीद इन टेक अ नी अप, ब्रीद आउट डाउन। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। आप इस सेम रिपीट करोगे दोनों लेग के साथ में। स्टार्टिंग में आप स्टार्ट कर सकते हो 15 रैप्स, आप इसको इंक्रीज करके 20-30 टोटली, वो डेफिनेटली आपके ऊपर है कि आप कितनी देर कर सकते हो, कितना टाइम आपके पास है, बट आपको इसको इंट्रोड्यूस करना है आपके वर्कआउट रूटीन में, आपको योगा के आसना में। सो सेकेंड वन इज बटरफ्लाई। नाउ बटरफ्लाई पोज, पहले आपको पैरों को आपस में जोड़ना है, फिर हाथों को क्रॉस करोगे, फिंगर्स को क्रॉस किया, टोज के ऊपर ग्रैब करो, और अपने पैरों को हिप जॉइंट के मैक्सिमम क्लोज लेके जाना, जितना क्लोज लेके जा सकते हो। अब दोनों लेग्स को अप, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, अप डाउन। ये आप डेली प्रैक्टिस करोगे आप तो स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। अप डाउन टोटली अपॉन यू, कितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उस पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट इससे बेटर चांसेस है कि आप जल्दी कंसीव कर पाओगे। फर्स्ट एक्सरसाइज इज दिस जो आप करने वाले हो। सेकेंड वन इज चक्की चालन। चक्की चालन के लिए आपको पैर सीधे करने हैं, अपने टोज को बॉडी की तरफ फेस करोगे, स्ट्रेच योर आर्म स्ट्रेट, ब्रीद इन गेट बैक, ब्रीद आउट मूव फॉरवर्ड। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो गेट बैक, और आगे जाओगे तो कोशिश करना है कि टो क्रॉस हो जाए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट,
स्टार्टिंग करोगे 15 क्लॉकवाइज, 15 एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद धीरे धीरे आप इसका टाइम इंक्रीज कर सकते हो। दैट्स द सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड वन इज स्पाइन ट्विस्ट। इसके लिए सबसे पहले फोल्ड राइट लेग, राइट लेग को फोल्ड करोगे। टेक अ राइट लेग टू लेफ्ट साइड, ऑपोजिट साइड लेके गए। नाउ लिफ्ट योर लेफ्ट हैंड अप, जिस साइड लेग को जाके जा रहे हो वो वाला हाथ ऊपर उठाना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, टर्न योर बॉडी टूवर्ड राइट साइड, टेक योर आर्मपिट क्लोज टू नी एंड स्टे। यहाँ से आप अपने साइड्स को स्ट्रेच कर रहे हो, पेल्विक एरिया को स्ट्रेच कर रहे हो। नाउ डू ब्रीद इन ब्रीद आउट, थ्री ब्रीदिंग इन दिस पोजिशन, ब्रीद इन ब्रीद आउट व्हाइल यू आर स्टेइंग हियर। लुक बैक आउट थ्री टाइम्स। अब इसके बाद आप इसको इंक्रीज करना चाहते हो उसकी इंटेंसिटी, स्ट्रेट योर हैंड, या तो आप अपनी शिन पकड़ोगे अपने हाथ से या फिर पैर पकड़ सकते हो, तो सबसे अच्छी बात है। एंड लुक बैक स्ट्रेट, 1 2 3, रिलैक्स एंड कम बैक। ऐसे ही सेम आप दूसरे पैर के साथ करोगे। दिस इज द थर्ड वन, थर्ड एक्सरसाइज जो आप करने वाले हो। फोर्थ वन इज भुजंग आसन और कोबरा पोज। सो उसके लिए सबसे पहले आपको उल्टे लेटना है। लाई डाउन ओवर योर बेली, नाउ टेक योर एल्बो डाउन, हेड डाउन, नाउ लिफ्ट योर अपर बॉडी अप। आपके एल्बो मैट पे रहने चाहिए। लुक अप, ब्रीद इन ब्रीद आउट 4 टाइम्स। फोर ब्रीदिंग होते हैं, जस्ट टेक योर हेड डाउन एंड रिलैक्स फॉर 5 सेकंड। दिस इज फर्स्ट वेरिएशन ऑफ कोबरा पोज। सेकंड वेरिएशन में लिफ्ट योर एल्बो अप, टेक योर पाम्स क्लोज टू योर चेस्ट, स्ट्रेट योर एल्बो, लुक अप, कीप योर हेड अप, चिन अप, डू ब्रीदिंग, ब्रीद इन ब्रीद आउट 4 टाइम्स। फोर ब्रीदिंग होते ही जस्ट टेक योर हेड डाउन। और जब भी आप इसके रेप्स इंक्रीज करोगे, यू ट्राई कि आप हर बार इसमें इंक्रीज कर सको, ब्रीदिंग इंक्रीज कर सकते हो। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट क्रॉस योर हैंड्स एंड टेक योर हेड डाउन। अभी हम करेंगे ब्रिज, जिसको हम बोलते हैं सेतु बंधासन। उसके लिए सबसे पहले आपको हाथ अपने मैट के ऊपर रखने हैं, पैरों को हिप जॉइंट के मैक्सिमम क्लोज लेके आओ। लिफ्ट योर हिप अप, इस पोजीशन में डू ब्रीद इन ब्रीद आउट 4 टाइम्स। नॉर्मल ब्रीदिंग करोगे 4 बार, फिर टेक अ हिप डाउन। ऐसे आप रेप्स करोगे, 4 बार कर सकते हो, 5 बार कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर है कि आप कितना कर सकते हो। एंड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, स्ट्रेट योर लेग एंड रिलैक्स फॉर 10 सेकेंड्स। ये 4 योगा पोज बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो। एंड जो सेकेंड चीज़ अभी आप करोगे वो है प्राणायाम। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको अपने लाइफ से रिमूव करनी है, इरेज करनी है, वो है स्ट्रेस। हमारा प्राणायाम करता है कि आपके माइंड को रिलैक्स करता है। जैसे योग और आसन थोड़े से स्टेबल इसलिए होते हैं ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो सके, कूल डाउन हो सके। करने वाले हैं आसनास। ऐसे कौन से प्राणायाम हैं जो आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं? सबसे पहले आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। सुखासन में आओ, सुखासन लेफ्ट फुट के ऊपर राइट फुट, जिसे सुखासन। ध्यान मुद्रा में आओगे, बैक स्ट्रेट। नाउ फर्स्ट हैव अ डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट। एक्सरसाइज कर रहे हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको स्माइलिंग फेस के साथ करना है ताकि आपके अंदर से पॉजिटिविटी आए, ताकि आपके अंदर से वो पॉजिटिविटी आ सके। एफर्टलेस साउंडलेस ब्रीदिंग करनी है जब भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो। दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज जो आप करोगे। सेकंड प्राणायाम जो भी आप करोगे वो है कपालभाति। कपालभाति में आप फोर्सफुली ब्रीद आउट करते हो लाइक दिस। तो ये आपको डेली ही कम से कम 5 मिनट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो। दिस इज़ द सेकंड प्राणायाम। एंड थर्ड वन इज़ नाड़ी शोधन, लोम विलोम। तो उसके लिए सबसे पहले ब्रीद इन फ्रॉम लेफ्ट साइड, नाउ ब्रीद आउट फ्रॉम ऑपोजिट साइड। यू कैन होल्ड योर ब्रीदिंग एज मच एज यू कैन डू, रिपीट इट 5 टाइम्स एंड देन रिलैक्स।
ये इतनी अच्छा प्राणायाम है कि आपके माइंड को टोटली रिलैक्स कर देगा। बट आपको इसमें एफर्ट नहीं लगाना है, फोर्सफुली नहीं करना है, जितना फोकस के साथ। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, हमेशा ही तब तक करो जब तक आपका फोकस बन रहा है, और वेट करो कि तब आप अपने फोकस को इंक्रीज़ कर सको, इस लेवल तक लेके आ सको कि आप उसको स्टेमिना लाइक उसको 5 मिनट तक आराम से कर सको। लेकिन ज़बरदस्ती करने का कभी कोई फ़ायदा नहीं होता कि आपका आप अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है और आप ज़बरदस्ती कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। उससे अच्छा आप छोड़ दो उस एक्सरसाइज को, थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दो, थोड़ा रिलैक्स हो, फिर से कंटिन्यू कर लो, ये ज़्यादा बेटर होता है रैदर देन ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को करने से। सो दिस इज सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड वन इज़ भ्रामरी। भ्रामरी आपके माइंड, भ्रामरी का सेम रोल है, ऐसी वाइब्रेशन आपकी बॉडी में देगा जो कि आपकी बॉडी को इंटरनली हील करेगा, आपके बॉडी से सारे टॉक्सिन्स रिमूव करेगा, आपके मूड को रिफ्रेश कर देगा। भ्रामरी आपके मेंटल हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। सो उसको करने का तरीका है कि आपको अपने अंगूठों से कान बंद करने होते हैं और सेकेंड एंड थर्ड फिंगर से आइज़ क्लोज करनी होती है। नाउ ब्रीद इन, लंबी गहरी सांस अंदर लेना है पहले, हम साउंड को प्रोनाउंस करोगे, जैसे हम, जितना लंबा करोगे उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन आपकी बॉडी में ट्रेवल करेगी और उतनी ज़्यादा हीलिंग होने वाली है। सो नाउ ब्रीद इन, ऐसा 4 बार करोगे, 4 बार करने के बाद हाथ नीचे लेके आने हैं। नाउ डू नॉर्मल ब्रीदिंग, 4 टाइम्स नॉर्मल ब्रीदिंग करोगे, उसके बाद हाथ रब करने हैं। जैसे हाथ गर्म हो जाएंगे आंखों पे लगाओ और आंखें खोलो, और इसके बाद अभी जो आपको लास्ट करना है वो है ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ ओम चैंटिंग करो, वो आपकी आपकी लाइफ की 90% सोल्यूशन ओम चैंटिंग से मिल जाएगा, जो कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अभी हम करेंगे ओम चैंटिंग। तो सबसे पहले ध्यान मुद्रा में आना है, कीप योर बैक स्ट्रेट, नाउ क्लोज योर आइज, ब्रीद इन, ब्रीदिंग उसे जितना लंबा म लेके जा सकते हो उतने ज़्यादा अच्छा है। सो ये आप करोगे 4 टाइम्स, फर्स्ट ब्रीदिंग, डू इट 4 टाइम्स, उसके बाद में 4 टाइम्स नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। जस्ट फील योर ब्रीदिंग, जस्ट फील योर सेल्फ, अपने ही सांसों को फील करो। फोर ब्रीदिंग होने के बाद हाथ रब करोगे, आंखों पे लगाना है और आईज ओपन कर लेंगे। जब भी आप, तो अगर आप ये सारे के सारी एक्सरसाइज डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप खुद में फील करोगे कि यू बिकम मोर एनर्जेटिक, और आप खुद ही एक पॉजिटिविटी के साथ में एक नए बच्चे के लिए खुद को तैयार कर रहे हो। दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल नाउ एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोस। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय यूज़र आईडी इज़ amandeep.rajput.75, यू विल गेट इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन ज्वाइन माय लाइव क्लासेस इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, stay healthy, stay fit. Bye-bye.